बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम आज जा रहे हैं RHA रॉबिन हुड अकेडमी, जो कि एक बहुत ही बड़ा एनजीओ है, उसकी ड्राइव के ऊपर। तो आज की आगे की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। तो वैसे तो आज की ड्राइव प्रमोशनल ड्राइव है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या होता है प्रमोशनल ड्राइव के ऊपर और हम वॉलेंटियर्स कैसे हेल्प करते हैं उन लोगों की। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं और लोगों की हेल्प कर सकूँ। सो गाइस, सारी चीज़ों के साथ साथ हमें अपनी डाइट को भी पूरा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वही हेल्प करता है हमारी मसल बिल्डिंग में। तो मैं पी रहा हूँ यहाँ पे बनाना शेक एकदम मस्त चिल्ड आइस क्यूब के साथ। तो कितने बनाना का बनाया मम्मी? दो बनाना का। तो दो बनाना का बनाया ये और एक ग्लास दूध का, तो एकदम मस्त बनाया है विदाउट एनी शुगर, साथ में आइस क्यूब। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना, कोई ऐसी बहुत बड़ी हैक्टिक नहीं है ये कि आप ट्राई नहीं कर पाए। बस ब्लेंडर में आपको दो बनाना डाल के, दूध डाल के आइस क्यूब लेनी है, बाकी आपका शेक तैयार हो चुका है। तो ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि मैं आपको रेसिपी बताऊं या सारी चीज़ें बताऊं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है ये शेक आप लोगों के लिए। तो चीयर्स चीयर्स। तो गाइस, बनाना शेक पी होगा बहुत टाइम हो गया, अब मेरे को लगी है भूख और जैसा कि आपको बताया नहाएंगे तो दोपहर में ही हम, तो बहुत ही ज़्यादा तेज भूख लगी है। तो थोड़ी सी चीट मिल करते हैं क्योंकि आज संडे है, तो मैं ये आज जवे खा रहा हूँ बस, और ये सूजी के जवे हैं पहली बार, तो नॉट सो अनहेल्दी। सो गाइस, अब मैं नहा चुका हूँ, बाथ ले चुका हूँ, पूरी तरीके से फ्रेश हूँ और 4:30 बजे हमें ड्राइव के लिए जाना है। अभी 4 बज रहे हैं, तो मुझे पता है बहुत लेट नहाया हूँ मैं, बट मेरे को फ्रेश होकर ही जाना कहीं ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं जब भी कहीं जाता हूँ मोस्टली लेट ही नहाता हूँ कि मैं आराम से जाऊँ वहाँ पे एकदम फ्रेश होके। तो 4:30 बजे हमारी ड्राइव है, इस समय 4 बज रहे हैं, हमारे पास 20-25 मिनट है अपने लिए, थोड़ा सा काम करते हैं अपना और तैयार होते हैं और उसके बाद हम लोग जाएंगे ड्राइव पे। आपको आगे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, वीडियो को एंड तक देखिएगा और कमेंट डाउन मिशन स्वदेश फॉर RHA, जय हिंद। तो गाइस, मैं तैयार तो हो चुका हूँ पर अभी बहुत ज़्यादा सोच में हूँ कि रिक्शा से जाऊँ या मैं स्कूटी से जाऊँ खुद की, क्योंकि स्कूटी से जाऊँगा तो वहाँ पर कभी खड़ी करने की कोई दिक्कत नहीं आई हूँ, क्योंकि हम मेन जो मुरादाबाद का मेन एरिया है वहाँ पे ही प्रमोशनल ड्राइव करेंगे इस वजह से। तो देखते हैं किस चीज़ से ज़्यादा हूँ, अभी थोड़ा सा डिसाइड करूँगा मैं सेल्फ टॉक करके, तो उसमें पता चलेगा। और बहुत लोग आप में से जानना चाह रहे होंगे कि मैंने रॉबिन हुड अकेडमी की टी शर्ट क्यों नहीं पहनी है, ये नॉर्मल अपनी ग्रीन टी शर्ट क्यों पहनी है। वो इस वजह से क्योंकि जो रॉबिन हुड अकेडमी की टी शर्ट होती है वो 3 consecutive drive, मतलब कि 3 लगातार drive करने के बाद ही मिलती है, कि उन लोगों को लगता है कि हाँ आप थोड़ा सीरियस हैं इस बारे में लोगों को सर्व करने के लिए, उसके बाद ही आपको वो मिलती है। और ये मेरी फर्स्ट ड्राइव है, तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है वीडियो, और मुझे खुद नहीं पता कि वहाँ पे क्या होगा, कैसे होगा, लोग कैसे होंगे। तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, सब कुछ रॉ दिखने वाला है, तो मेरे इस ब्लॉग को एंड तक देखिए। तो भाई, मैंने डिसाइड कर लिया है कि स्कूटी से ही जाएंगे, जगह तो हो ही जाएगी वहाँ पे, तो देखते हैं, चलते हैं अब पहले हम स्कूटी से और जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो भाई, ला चुके हैं हम अपनी स्कूटी पे, तो स्कूटी से ही जाएंगे, हेलमेट इज़ नेसेसरी। तो चलते हैं अब और वहीं पर ही दिखाता हूँ मैं आपको, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग चीज़ है। मैं तो आ चुका हूँ लोकेशन पर, वो है हमारी लोकेशन पॉइंट। तो अभी तो कोई मेरे को दिखाई नहीं है,
और पर अभी पहले फ़ोन करके देखेंगे उन लोगों को, देखते हैं या नहीं कोई आया है या नहीं, या मैं ही पहले आया हूँ, फ़ोन करता हूँ पहले फिर आप लोगों को बता। तो भाई मैं आ चुका हूँ फाइनली अपने पॉइंट पे, ये पीली कोठी का पॉइंट है, ये हमारे भाई लोग हैं सब। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, देखते हैं क्या होता है प्रमोशनल ड्राइव में हमें आगे। ठीक है चिराग भाई, चलो चलो भाई देखते हैं आगे। मिशन स्वदेश, थैंक यू भैया। हाँ जी हमारे नंबर है, वेबसाइट है, सब कुछ है यहाँ गाइज़। बहुत ही ज़्यादा तगड़ी जा रही है ड्राइव, मज़ा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्रमोशनल ड्राइव है। लोगों को हम बता रहे हैं कि कैसे हम आज तक पहुंच सकते हैं और हम कैसे अवेयरनेस फैला सकते हैं लोगों तक। तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग ड्राइव जा रही है। आप लोगों से हर आदमी खाना नहीं लेगा, आपका खाना बचा हुआ है, आदमी सोचेगा अरे कैसा खाना बांट रहे क्या है। हम लोग खाना जिससे भी लेते हैं पहले टेस्ट करते हैं फिर खाना आगे बांटते हैं, मतलब हम लोग किसी को पुराना खाना भी नहीं देते हैं। तो हमारा मोटिव यही रहता है कि हम आगे बढ़े, और जैसे सरप्लस है खाना वेस्ट होता है, अन्न का अपमान हमारे में सबसे बड़ा अपमान माना जाता है, खाना वेस्ट होता है। आप क्या पार्टी हुई, आपने 200 आदमी का खाना बना लिया है, 800 आदमी, 150 आदमी, 50 आदमी का खाना बच गया, आदमी क्या करता है थोड़ा अपने घर पे यूज़ कर लेता है, दो दिन तक स्टोर करता है, फिर उसका वेस्ट हो जाता है, उसके पास बैंडविड्थ नहीं है वो बांटने का। आज के टाइम पर किसी के पास टाइम ही नहीं है, हम लोग भी सब जॉब वाले हैं लेकिन हम लोग अपना अपना टाइम निकालते हैं। जो हमारे पास वॉलंटियर्स होते हैं, आप कॉल करोगे वॉलंटियर रहेगा और वॉलंटियर आपसे खाना लेगा, आपको प्रॉपर डिटेल देगा कि उसने खाना कहाँ पर बांटा है, प्रॉपर डिटेल देगा। हमारे पूरे सर्वे एरिया है, हमको पता है कि हमारे पास मुरादाबाद में स्लम्स कहाँ का है। स्लम्स एरिया में आदमी खाने के लिए रात में भूखा सोता है, और हम हमारे पास लग्जरी है तो हम किसी की हेल्प कर सकते हैं। तो हमारा मोटिव यही है कि हम लोगों की हेल्प कर सकें। और अभी हमारे करेंटली एक ड्राइव चल रही है,
जिसके अंदर अभी हमारा एम है कि 5-6 आदमियों का घर का राशन पूरा करने का, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जैसे आपके पास सरप्लस है तो आपने आटे का कट्टा दे दिया, सर ने मुझे 10 किलो आलू दे दिए, तो हमारे नीडी पीपल्स जो है आसपास के जो लोग हैं मुरादाबाद के एरिया के, मुरादाबाद बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है तो हमारे पास पूरा डिस्ट्रिक्ट है, तो आसपास के जो लोग हैं वहाँ पे हम उनके पास जा जाके वो खाना सर्व करेंगे, तो उनका भी घर का राशन चलेगा, उनके पास पकाने के लिए लेकिन खरीदने के लिए पैसा नहीं है, आज के टाइम पे मंदी इतनी चल रही है, तो हमारा ऐसे ही रहता है, जीरो फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है एकदम। जो भी आपके पास आएगा आप बता सकते हो, इसका थोड़ा अवेयरनेस कम था, थैंक यू सर, अवेयर करने निकले हम लोग, अवेयर करने के लिए निकले, अगर एक स्टिकर मैं बाहर आपके गेट पे लगा दूं कोई दिक्कत तो नहीं, इसी गेट पे ब्लाइंड या जहां आप चाहें, ओके थैंक यू। बट मैंने कुछ भी घर का अपडेट इसलिए नहीं दिया क्योंकि आज मतलब कि मेरे ड्राइव के नेक्स्ट दिन मेरी बहन का बर्थडे था और मैं थोड़ा सा प्लान कर रहा था, बट उसके उसी दिन जिस दिन बर्थडे है उस दिन मंडे था और वो सावन के सारे व्रत रख रही है तो उसका व्रत था, तो फिर मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया और बस ये केक वो भी इसकी फ्रेंड ने भेजा था तो वही आया और ये देखो कैसी हालत कर दिया। तो यहीं पर ही मैं अपने इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, मिलते हैं अगले ब्लॉग में और ज़्यादा इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा मिशन स्वदेश, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग।